पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पुण्यतिथि। यहाँ तक मुझे याद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज उनकी भी आत्मा पीड़ित होगी, ये उनका पुत्र सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। याद करें कि रामविलास पासवान जी, हमें लगता है कि 8 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था, और आज कौन सी तारीख, कौन सा पक्ष है? अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी जाते हैं तो भी आज नहीं है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो भी आज उनकी पुण्यतिथि नहीं है। पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पुण्यतिथि। जहाँ तक मुझे याद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज उनकी भी आत्मा पीड़ित होगी, ये उनका पुत्र सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। याद करें कि रामविलास पासवान जी, हमें लगता है कि 8 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था, और आज कौन सी तारीख, कौन सा पक्ष है? अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी जाते हैं तो भी आज नहीं है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो भी आज उनकी पुण्यतिथि नहीं है। और समय खोजते हैं तो इनको क्यों, किस बात का समय दिया जाए? जो झूठ बोल के सब काम करते हैं, झूठ के भरोसे थोड़ी राजनीति होती है। किस तरीके का माइलेज लेना चाह रहे हैं आखिर? पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। देखिए, ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, एक सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, जबकि सच्चाई है, जो भी रामविलास पासवान के अनुयायी होंगे वो याद करेंगे, तो वो जरूर याद करेंगे कि रामविलास पासवान की मृत्यु 8 अक्टूबर को हुई थी, ना कि आज 12 सितंबर है। यह गलत कर रहे हैं।